हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मयंक डांगी और एज अ बाइक राइडर आप लोगों की तरह बहुत अनकंफर्टेबल रहता है लॉन्ग राइड करना, क्योंकि अंडर थाइज, पीछे हिप्स में एंड बैक में अनकंफर्टेबल सीट और टैंक की वजह से बहुत परेशानी होती है और पेन होता है काफ़ी। तो आप लोगों की तरह मुझे भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आपने सीट में वो जेल सपोर्ट वाला नहीं लगा रखा जैसे बुलेट और अदर बाइक्स में लगाते हैं, अलग से सीट जैसी आती है, तो बहुत अनकंफर्टेबल राइड हो जाती है अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो। बट पर्सनली मुझे वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अमेजोन में सर्च कर रहा था कुछ और ऑप्शंस के लिए। तो मुझे उसमें एक चीज़ दिखाई दी, एक शॉर्ट साइकिलिंग शॉर्ट जिसमें खुद ऐसे जेल सपोर्ट लगा हुआ था हिप्स के लिए और इंडर थाइस के लिए। तो मुझे लगा ये बाइक राइडर्स के लिए अच्छा हो सकता है। अगर वो अच्छा हुआ, मैं खुद राइड करूँगा अभी बाइक इसको पहन के, मैं आप लोग को ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप लोग भी लो। तो पहले तो मैं आपको ये प्रोडक्ट खोल के दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट है क्या जो मैंने ऑर्डर किया शॉर्ट्स। ये है वो जो मैंने ऑर्डर किया है, आप देख सकते हैं अंडरवियर जैसा ही है एकदम, और ये यूनिसेक्स है, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं इसे। एंड जो इसका कपड़ा है वो ड्राई फिट जैसा है, मॉइस्चर अब्जॉर्व करने के लिए आई थिंक। एंड बाहर से तो ऐसा कुछ नहीं है, एंड अंदर से आप देख सकते हैं ऐसे पैडिंग लगी हुई है हर जगह, आगे तक यहाँ तक पैडिंग है इसमें, यहाँ तक हल्की हल्की पैडिंग है, यहाँ मोटी मोटी पैडिंग है इसमें। और इसमें लिखा भी है जेल एंटी शॉक और मॉइस्चर मैनेजमेंट, ऐसे से ये सब चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। गर्मी का सीज़न है तो आई होप गर्म ना करे और अनकंफर्टेबल फील ना करे, क्योंकि ये काफ़ी थिक कपड़ा है और मैं इसको अपने अंडरवेयर के ऊपर पहनूंगा, डायरेक्टली नहीं पहनूंगा, बहुत अजीब लगेगा वो। तो पहनता हूँ मैं और चेकआउट करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ पहन के इसका कम्फर्ट कैसा है, क्या सच में ये कंफर्टेबल रहेगा लॉन्ग राइड के लिए कि नहीं रहेगा। अराउंड 30-40 किलोमीटर चलाऊंगा तभी पता चलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बाइक राइड में पता नहीं चलेगा, थोड़ा लंबा चलाऊंगा तब जाके पता चलेगा कि ये कम्फर्ट वर्थ इट है या नहीं है। क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो 999 रुपीज़ है, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़, जो कि एक्सपेंसिव है एक अंडरवेयर टाइप चीज़ के लिए। चलिए चेकआउट करते हैं, तो लेट्स गो। तो गाइज मैंने इसको पहन लिया अभी और पहन के मोटा मोटा फील तो हो रहा है, पीछे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ पहना है मोटा सा, और वॉक करने में अनकंफर्टेबल हो रहा है जैसे कि मैं वॉक कर रहा हूँ। तू समझा? तो डेफिनेटली फील हो रहा है कुछ पहना है आपने मोटा सा, पैडिंग पूरी फील हो रही है इसकी, बट आई डोंट नो बाइक चलाते हुए कैसा फील होगा। तो चलिए चलते हैं और मैं अभी बाइक राइड करते हुए आपको बताऊंगा इसका कैसा कम्फर्ट है। बाइक में मैं अभी बैठ चुका हूँ, बैठने में इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, जब वॉक कर रहे तब अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो कुशनिंग थोड़ी बहुत तो लग रही है इसकी, बट आई डोंट नो राइड करने के बाद और कैसा फील होता है, अनकंफर्टेबल लगता है कि नहीं होता है। तो चलिए चेकआउट करते हैं। स्टार्टिंग में तो मेरे को नॉर्मल लग रहा था, जैसे नॉर्मल बाइक राइड करते हैं, ऐसा फील नहीं हो रहा था इतना कि मैंने कुछ पहना है। बट कुछ ही देर बाद अराउंड 15-20 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे अंदर गर्मी लगने लगी, मज़ा नहीं आ रहा है एंड थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, इससे अच्छा मैंने ये चीज़ नहीं पहनी होती तो ज़्यादा कम्फर्टेबल होता मुझे बाइक राइड करने में। तो गाइज अराउंड 10-15 किलोमीटर चलाने तक तो ठीक था, उसके बाद मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लग गया, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ अटका हुआ है। ये चीज़ मत लेना, इसमें इन्वेस्ट मत करना, सिर्फ वो दिखाने के लिए पैड किसी काम का नहीं है, मे बी शायद साइकिलिंग करते वक्त कंफर्टेबल लगे, बट मेरे हिसाब से शायद उसमें भी आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। 1000 रुपये काफ़ी एक्सपेंसिव है उस हिसाब से जैसा इसका कंफर्ट है। कंफर्ट तो क्या कहूँगा, कुछ भी नहीं है इसका कंफर्ट, बट मैं ये बोलूँगा इसमें पैसे बर्बाद मत करना, इससे अच्छा जेल सीट लगानी है तो आप वो लगा लो, वही सही रहेगा।
और अगर कुछ ऑप्शन फ्यूचर में मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।